आगे चलते हैं सर, सेक्शन 158AA पर। इससे पहले सर एक 153C सेक्शन में इंपॉर्टेंट, ठीक है, मजेदार बात हुई। क्या मजेदार बात हुई सर? 153C में समझने का कोशिश करिएगा। 153C क्या बोलता है? सर्च हुई ए पर, माल मिला बी का, सर्च हुई ए पर, माल मिला बी का, ए ने बोला है तो बी का है, बोल लाओ बी का भी असेसमेंट कर देते हैं, 153C है ना, ठीक है, चिंता ही क्या है। तो 153C में सर उसका भी 6 साल का असेसमेंट खुलने वाला, ठीक है। अब हुआ क्या सर, सर्च में जो मसाला मिला बी का, दैट वाज ऑफ सच अ नेचर दैट सर्टेन फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट ऑफ द रजिस्ट्रीज कंडक्टेड बाय द बी आर फाउंड, ठीक है। अब ए क्योंकि उसका विश्वास पात्र था तो उसके पास में वो कुछ एग्रीमेंट वगैरह तैयार हुए होंगे, उनकी फोटोकॉपीज पड़ी थी, वो फोटोकॉपी ए के यहां सर्च में पता चल गई बी के लिए। ओरिजिनल नहीं मिला सर, क्योंकि ओरिजिनल तो बी ने अपने घर में रखा और उसको ये नहीं पता था कि ए भी अभी तक फोटोकॉपी रख के बैठा, तो उसने सेल एग्रीमेंट की फोटोकॉपी रखी थी। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया सर, बी का असेसमेंट खोल दिया सेक्शन 153C में, क्या जाओ भैया 6 साल आपका भी कार्यक्रम करना है, ठीक है। तो देन इन दैट केस बी बोला सर आपको मेरे लिए क्या मिल गया, तो पता चला कि साहब कुछ फोटोकॉपीज मिली है, बोला साहब ये तो फोटोकॉपी है, कुछ ओरिजिनल थोड़ी ना मिला है आपको। फोटोकॉपी बेसिस पर सर मामला चैलेंज हो गया, असससी जीत करके आ गया, और जब असससी जीतता है तो लॉ में अमेंडमेंट आता है। जैसे धरती पर जब, ठीक है, कष्ट बढ़ते हैं दुख बढ़ते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं, ठीक है, ऐसे सेक्शन 153C में, ठीक है, अमेंडमेंट आया। क्या अमेंडमेंट आया जरा सुनिएगा सर, 153C में पता भी नहीं चलता ये अमेंडमेंट आ गया, पर आ गया, ठीक है। नॉट इज स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 139, 147, 148, 149, 151 एंड 153 वेयर द ईओ इज सेटिस्फाइड दैट मनी बुलियन ज्वेलरी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग सीज्ड और रिक्विजिशन बिलोंग्स और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट सीज्ड और रिक्विजिशन पर्टेन्स और पर्टेन टू और एनी इंफॉर्मेशन कंटेंट देर इन सर, ये आ गया एनी इंफॉर्मेशन कंटेंट देर इन, बस ये इंफॉर्मेशन तो इतनी बड़ी वो है कि सर इस पर तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बन गया, ठीक है। सो द पॉइंट इज व्हाट, के एनी इंफॉर्मेशन, आपने किसी को मेल लिखी क्या वो इंफॉर्मेशन होती है क्या? बिल्कुल। तो आप सब तो सर आज के युग के बच्चे हैं, आप सब समझते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कुछ भी मिल गई सर तो दूसरे व्यक्ति का गला पकड़ लेंगे। दिस इज हाउ द स्कोप ऑफ सेक्शन 153C हैज बीन एनहांस। आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं सर 158AA पर, सुनिएगा। इसके बीच में 154, 156 में अमेंडमेंट आए हैं, केवल इतना सा ही है कि टीसीएस की इंटीमेशन को दर्जा दे दिया 156 का और टीसीएस की इंटीमेशन पर 154 की रेक्टिवेशन एप्लीकेशन लग सकती है। फर्दर 246A में भी टीसीएस इंटीमेशन पर अपील के प्रावधान कर दिए, इस साल से खास रिलेवेंट नहीं है। मैं चल रहा हूं सर 158AA, ठीक है। इस तरीके के सेक्शन जनरली पूछे नहीं जाते क्योंकि नया आया है, अगर पूछ लिया तो सर इस अटेम्प्ट में पूछेंगे, नहीं तो फिर कभी नहीं पूछेंगे, ऐसा मेरे को तुक्का लगता है। अब सुनिए सर, आप बोले सर आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया है कि पेपर तो नहीं बनाया है। नो सर, मेरे पेपर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपने मनगढ़ंत पेपर बनाता रहता हूं, बच्चों के पेपर लेता रहता हूं। सर 158AA क्या है? दिस इज सिबलिंग ऑफ 158A। अब सर आपको सिबलिंग ही नहीं पता तो ये कैसे पता चले कि ये क्या है? अब 158A क्या कहता है तो फिर 158AA समझ में आएगा। सेक्शन 158A प्रोवाइड्स दैट दिस इज द टाइटल स्पेशल प्रोविजन फॉर अवॉइडिंग रिपीटेटिव अपील्स वेयर एन असेसी केस इज ऑलरेडी पेंडिंग ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एन आइडेंटिकल क्वेश्चन इज अगेन बीइंग देयर इनटू डिस्प्यूट इन हिज केस इन एनी अदर असेसमेंट ईयर ही मे फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ईओ रिक्वेस्टिंग हिम सर माई केस इन अदर केस if decided whatever that you apply in this case also so let me not go into dispute again and again into the same thing because that will involve time and the money and the AO there has a discretion that if he finds that the question is similar then he may accept that particular case and therefore whatever in other case shall be determined in the assessee's case shall be applied in this particular case of the assessee also but no such remedy was available to the revenue to go to the ITAT and to say ke sir hum high court ke kisi case ke against mein supreme court mein chale gaye hain assessee ke kisi particular mamle mein
तो जो सुप्रीम कोर्ट वहां डिसाइड कर दे वो आप इस केस में अप्लाई कर देना। ये चीज आ गई सर 158AA से। बस अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया तो मैं जैसे ही पढ़ूंगा आपको समझ में आएगा सर कि 158AA क्या बोलता है। दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी और अ रेमेडी टू द रेवेन्यू टू गो टू द ITAT बाय नॉट फाइलिंग अ रिटर्न बट बाय फाइलिंग अ डिक्लेरेशन सेइंग दैट सर व्हाट एवर जजमेंट कम्स इन द सुप्रीम कोर्ट केस इन दैट अदर केस ऑफ दिस SSC वी एग्री दैट पर्टिकुलर जजमेंट मे बी अप्लाइड हेयर ऑल्सो। हम हार गए तो छोड़ देंगे और अगर नहीं आ रहे तो देन इन दैट केस फिर हम अपील को ITAT के लेवल पर दाखिल कर देंगे। तो जब तक सर दाखिल नहीं करें तब तक टाइम लिमिट निकलती है ना, वो टाइम लिमिट को बांधने के लिए 158AA और व्यवस्था करता है। जरा आइएगा सर 158AA मेरे साथ सुनिए। नॉट द स्टैंडिंग 158AA सर इस पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 3 नंबर का, तैयार रहिए। नॉट द स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वेयर द कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, माइंड यू सर क्वेश्चन ऑफ लॉ, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन द केस ऑफ एन SSC फॉर एनी असेसमेंट ईयर सच केस बीइंग हियर इन रेफर टू एज रिलेवेंट केस इज आइडेंटिकल विद अ क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन हिज केस फॉर अनदर असेसमेंट ईयर। ये SSC सेम होना चाहिए सर, SSC सेम नहीं है तो ये मामला नहीं हो सकता। अराइजिंग इन हिज केस फॉर अनदर असेसमेंट ईयर विच इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट सर कहां चाहिए वो दूसरे केस की पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट नहीं है। अराइजिंग इन हिज केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन एन अपील अंडर सेक्शन 261 और इन अ स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन द फेवर ऑफ द SSC। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी SSC का फेवर कर दिया है। सच केस बीइंग हियरिन रेफर्ड टू एज द अदर केस ही मे इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग द AO टू अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2 और 2A ऑफ सेक्शन 253 डायरेक्ट द असेसिंग ऑफिसर टू मेक एन एप्लीकेशन टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। वो अपील करने की जगह क्या बोलेगा, एक एप्लीकेशन करिए। क्या एप्लीकेशन करनी है, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ CIT अपील स्टेटिंग दैट एन अपील ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन द रिलेवेंट केस मे बी फाइल्ड व्हेन द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ बिकम्स फाइनल इन द अदर केस। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2011-12 पर एक अपील सुप्रीम कोर्ट में लग रही, असेसमेंट ईयर 14-15 में डिपार्टमेंट CIT अपील लेवल पर हार गया, अब डिपार्टमेंट को ITAT में अपील करनी है। ऑलरेडी एक अपील असेसमेंट ईयर 2011-12 में अपील कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, तो डिपार्टमेंट के केस में अब CIT क्या बोलेगा AO को, यार बेटर यू रादर देन फाइलिंग एन अपील बिफोर ITAT फाइल एन एप्लीकेशन वेयर इन वी विल रिक्वेस्ट इन द नेचर ऑफ 158AA। आ गई बात समझ में सर, छोड़ दूं आगे चलता हूं, सुनिएगा। नेक्स्ट है सर सेक्शन 2। अभी तो बीच में अपने पास में TDS के कई अमेंडमेंट है सर, TDS अमेंडमेंट पर आइए। सेक्शन 192 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। मैं तो आपको ये बोलूंगा सर आप लोग भाग्यशाली हैं कि इतने अमेंडमेंट हैं, क्योंकि वेटेज अच्छा रहता है अमेंडमेंट में से। 192 के अंदर सर एक सबसेक्शन 2D इंसर्ट हो गया सर। उसमें यह हुआ कि कुछ केस लॉज ऐसे हुए जहां पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई से डिक्लेरेशन तो लिए डिडक्शन देने के इन्वेस्टमेंट के, लेकिन सर वो डिडक्शन के प्रूफ नहीं इकट्ठे किए। मामले कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बोला साहब आपने कहीं लिखा ही नहीं है, तो सरकार बोली अब लिख देते हैं। सबसेक्शन 2D हैज बीन प्रोवाइडेड, इट इज अ प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट टू प्रोवाइड दैट यू हैव टू कलेक्ट द प्रूफ ऑफ और द इविडेंसेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द लॉसेज विच यू आर एडजस्टिंग। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का अगर आप लॉस एग्री कर रहे हैं तो उसका होम लोन का सर्टिफिकेट लीजिए। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कास्टेड ऑन द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट सर 192A नया सेक्शन अमेंडमेंट हो गया सर, इंसर्ट हो गया, अमेंडमेंट नहीं इंसर्ट होकर क्या है 192A PF विड्रॉल पर टैक्सेशन की बात करी। अब जरा एक बात ऐसे समझिए सर, ये जानना बहुत जरूरी है कि PF विड्रॉल कब टैक्सेबल नहीं होता। जब सर PF विड्रॉल टैक्सेबल नहीं है तो TDS नहीं है, लेकिन जब PF विड्रॉल टैक्सेबल है तो सर TDS की स्पष्ट व्यवस्था 192A में कर दी गई। 30,000 तक कुछ नहीं है, 30,000 से ऊपर TDS काटना है। अब यहां पर चलेगा सर पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4 रूल 8 देर ऑफ, वो ये कहता है जी अगर 5 साल की मिनिमम सर्विस कोई करके जा रहा है PF टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है जो बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉई है, जैसे मान लीजिए कोई शारीरिक अपंगता आ गई, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी सर वो नौकरी छोड़ रहा है पहले, तो देन इन दैट केस आपको
उसको पीएफ का टैक्सेशन नहीं लेना। और तीसरा सर, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर भी आ सकती है कि एम्प्लॉयर ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, तो वो भी सर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ अदर्स ही है, फिर टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि टैक्सेशन नहीं है। और चौथा केस, जहां एम्प्लॉई शिफ्ट तो कर रहा है लेकिन वो पीएफ से विड्रॉल नहीं कर रहा, दूसरे पीएफ के अंदर अपना ये वाला पीएफ ट्रांसफर कर रहा है, ये चार परिस्थिति के अंदर सर पीएफ का टैक्सेशन नहीं होगा। अगर ये चार परिस्थिति के अलावा कोई और परिस्थिति है, देन इन दैट केस सेक्शन 192A शेल अट्रैक्ट टीडीएस लायबिलिटी एंड दिस पर्टिकुलर टीडीएस शेल अप्लाई एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कब लगेगा सर ये टीडीएस? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जरा सुनिए सर, मैं चार्जेबिलिटी पढ़ता हूं 192A की। Notwithstanding anything contained in this act, trustees of the Employees Provident Fund Scheme 1952, framed under Section 5 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, or any person authorized under the scheme to make payment of accumulated balance due to the employee, shall in a case where the accumulated balance due to the employee participating in a recognized provident fund is includable in his total income. Sir, ye baat important hai. जब तक इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम नहीं है तब तक टीडीएस नहीं है, जब इंक्लूडेबल है तभी लगेगा। ओइंग टू प्रोविजन ऑफ रूल 8 ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4 नॉट बीइंग एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू द एम्प्लॉई, डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट 10% रेट पर टीडीएस काटे। अब एक बात और समझिए, अगर मान लीजिए मैंने जो चार एक्सेप्शन, मेनली तीन ही है, आपके साथ डील करी, उनमें से कोई परिस्थिति नहीं है और विड्रॉल हो रहा है, तो आपको लग रहा है सर कि अब तो ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मुझे कोई ये बोले कि सर 1,00,000 रुपए एम्प्लॉई का लग रहा था, 1,00,000 रुपए एम्प्लॉयर का लग रहा था, ठीक है, और 30,000 रुपए इसका ब्याज था और 30,000 रुपए इसका ब्याज था, दिस इज एम्प्लॉई एंड दिस इज एम्प्लॉयर, दिस इज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब सर टोटल विड्रॉल कितने का हो गया सर? 260। एम्प्लॉई 2 साल में नौकरी छोड़ के चला गया, सीए है, वो कह रहा है सर अब मैं प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, भूत चढ़ गया उसके। नाउ द पॉइंट इज व्हाट सर, अब वो 2,60,000 रुपए का पर्टिकुलर विड्रॉल वो कर रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू अदर एम्प्लॉयर, तो देन इन दैट केस वो ट्रांसफर लेगा नहीं सर, सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल में छोड़ नहीं रहा, अपनी मर्जी से छोड़ रहा है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, बट माइंड यू सर, एम्प्लॉई का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन पर तो वो ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। ये बात अलग है कि उसने 80C क्लेम कर लिया, पर एक बार उसके कंप्यूटेशन में आ गया, इसको दोबारा कंप्यूटेशन में नहीं लाएंगे। केवल क्या होगा सर ये, यानी अब टीडीएस कितने पर कटना चाहिए सर? 1,60,000। ये मेरा ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि जो अमाउंट टैक्सेबल है उस पर आप टीडीएस काटेंगे, जो टैक्सेबल नहीं है सर उस पर टीडीएस नहीं लगना। तो ये चीज सर और थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं आगे चलता हूं सर, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194A, ठीक है, 194A में 3-4 छोटे छोटे अमेंडमेंट आए सर। एक, जो ब्रांच वाइज लिमिट बैंकिंग कंपनीज के केस में 10,000 रुपए थी, आप सब जानते हैं सर, जिन जिन बैंकों में CBS सिस्टम हो गया उसको कंसोलिडेटेड करके ब्रांच वाइज की जगह SSC यानी पेयर वाइज कर दिया गया है, कि मेरा PNB की 3 ब्रांचेज में दिल्ली में अकाउंट है, हर एक में मेरे को 8,000 रुपए का FD का ब्याज आता है, तो सर पहले तो सर इस पर TDS नहीं लगता था, बट नाउ 8 × 3 टोटल बिकम्स 24 ऑन द पार्ट ऑफ PNB, माई TDS shall apply. This was the requirement of the time, hence the necessary amendment is there. Second, sir, where a recurring deposit interest payment is happening, this recurring deposit interest payment is also now covered as if it is a time deposit. Earlier, recurring deposit being excluded from time deposit, hence TDS not applied, but now the recurring deposit are also covered in the ambit of 194A, subject to the total limit of 10,000 during the financial year. Third, sir, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के अंदर सेक्शन 56 में स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जो आपको ब्याज आता है वो एट द टाइम ऑफ रिसीट टैक्सेबल होता है, जबकि सेक्शन 194A में क्लैरिटी नहीं थी कि क्या केवल पेमेंट के समय TDS काटना है, क्योंकि ये सेक्शन तो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पर लग रहा है। नाउ द लॉ हैज बीन क्लैरिफाइड दैट ऑन मोटर एक्सीडेंट क्लेम द TDS प्रोविजन शेल अप्लाई एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। 50,000 तक CSF TDS नहीं लगता, 50,000 से ऊपर TDS लगेगा 10% की रेट पे। और सर जो चौथा अमेंडमेंट आया वो है, कोऑपरेटिव बैंक यदि अपने मेंबर्स को पेमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एज अ CA आप किसी कोऑपरेटिव बैंक में मेंबर बन गए, आपने वहां पर 2 करोड़ की FD प्लेस कर दी,
तो लॉ ये कहता था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को जब ब्याज देती है तो टीडीएस नहीं काटेगी। तो आपकी 2 करोड़ की एफडी पर लेट्स से दे हैव पेड 20 लाख रुपीस, दे विल नॉट डिडक्ट टीडीएस बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक इज नथिंग बट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट द गवर्नमेंट हैज सेड दैट नो, देयर हैज बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन आवर ओपिनियन, वी हैव प्रोवाइडेड द एग्जम्पशन टू द नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट टू द कोऑपरेटिव बैंक, एंड देयरफॉर इट हैज नाउ बीन सेड cooperative bank making payment to the member above 10,000 shall deduct tax at source. Clear sir? ये चार amendment section 194A के sir. इसके बाद 194C में amendment है sir. 194C में जो amendment है वो in respect of truck operators or the persons who are involved in plying, hiring, leasing goods carriages पर लागू होता है. Subsection 6 of section 194C provided that where a person who is such a contractor who is providing the trucks or other goods carriage vehicle provides the PAN number, then no TDS requirement shall apply. The intention in the mind of the government was not to provide this relief to all the assessees, maybe particularly those who are doing it at corporate levels. They were also claiming the exemption because of 194C subsection 6 being there. So now the government has said any person who owns at any time during the previous year not more than 10 goods carriages shall only be available with this particular kind of exemption. So sir, main ab isko aisa bolta hu, mere paas year ke beginning mein 6 truck the, year end hote hote maine unki sankhya 36 kar li, theek hai, main march mein aap mere ko 4 lakh rupaye ka payment kar rahe hain, koi march 2016 mein kya aap mere ko 6 lakh rupaye ka payment karte samay would you deduct TDS or not? Yes, you will. कितने लोग बोलते हैं? No, कितने लोग बोलते हैं? मेरे ओपिनियन में नहीं काटना, क्योंकि एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास में 10 से कम थे। वो ये नहीं कह रहा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर 10 से ज्यादा है तो उसको नहीं करेंगे। अब ये पढ़ने का तरीका है, कैसे लिख दिया उन्होंने, अजीब है। ठीक है, पढ़ते हैं सर, आइए 194A पर चलते हैं सर, सुनिएगा 194C सबसेक्शन 6 सुनिएगा सर। हो सकता है जो मैं कह रहा हूं सर वो इंटरप्रिटेशन एग्रीएबल ना हो, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में लॉ में अमेंडमेंट आ जाएगा। जब तक नहीं आता तब तक मैं जो कह रहा हूं वो सही, ठीक है, सुने एक बार 194A6। नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम एनी सम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरिजेस वेयर सच कॉन्ट्रेक्टर ओन्स 10 or less goods carriages at any time during the previous year and furnishes a declaration to that effect along with his permanent account number to the person crediting such sum. साल में कभी भी मेरे पास 10 से कम या 10 थे तो सर मैं पैन नंबर दे दूंगा, आप टीडीएस नहीं काटोगे। तो सर साल में शुरुआत में मैंने बिजनेस शुरू किया, एक भी ट्रक नहीं था, उसके बाद 500 ट्रक ले लिए, मैं पैन नंबर दे रहा हूं, टीडीएस नहीं लगे, ठीक है, जैसा लिखा है सर। और इसलिए बोल रहा हूं लॉ में अमेंडमेंट आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, एंड यू विल सी दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन, ठीक है, बट टिल इट हैपेंस इट इज सो, टिल इट हैपेंस इट इज सो। चलिए सर आगे चलते हैं 194C के बाद, सीए साहब 194I REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को यदि रेंट का पेमेंट होगा तो टीडीएस नहीं लगना नेचुरली, क्योंकि इट इज नॉट टैक्सेबल, हेंस द टीडीएस प्रोविजंस हैव बीन एग्जम्प्टेड। 194LBA डिस्कशन हो गया सर, 194LBB डिस्कशन हो गया सर, 195 सबसेक्शन 6 आइए सर, इंपॉर्टेंट है 195 सबसेक्शन 6। देखिए 195 सबसेक्शन 6 में क्या था सर, इशू यह है 15CA 15CB, ठीक है, 15CA CB की कमाई होती है, ठीक है, परंतु बहुत सारे रेमिटेंसेस जो नॉन रेजिडेंट को जा रहे असेसी खुद से ही डिक्लेरेशन दे देते थे पेयर लोग, सर इस पर तो टैक्स कटेगा ही नहीं, तो देन इन दैट केस बैंक ने भी मैनेजर ने भी मान लिया क्योंकि अच्छे रिलेशन है, हाँ कोई बात नहीं लगेगा, भेज दिया। बाद में फेमा अथॉरिटीज से सरकार को सूचना आई, अरे यार इंडिया से बाहर इतने पेमेंट हो गए टीडीएस की कंप्लायंस नहीं है, बोला सर क्योंकि असेसी ने लिखकर दे दिया था कि ये तो अमाउंट ही टैक्सेबल नहीं है, अरे बोले सीए ने देखा नहीं देखा, ठीक है, तो ICAI 195 सबसेक्शन 6 के लिए कुछ प्रयास करके लाई। क्या लेकर के आई सर, एवरी पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया नाउ वेदर और नॉट टैक्सेबल
whether or not taxable would attract the provisions of 15 CACB. Is it a welcome step or not? 100% welcome step. ठीक है, आप सब लोग नवोदित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके काम आएगा. मैं पढ़ता हूं सर. The person responsible for paying to a non-resident, the person responsible for paying to a non-resident, not being a company or to a foreign company, any sum whether or not chargeable under provision of this act, shall furnish the information relating to the payment of such sum in such form and manner as may be prescribed. क्या बोला सर? Shall furnish. मामला क्लियर हो गया सर? शेल फर्निश करना ही पड़ेगा. प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या है? 15 सी एसएससी देता है, 15 सी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब मोर लगा करके देते हैं. हो गया सर मामला. चलिए आगे, सेक्शन 197A. मेरी उसमें नहीं है नोट्स वाली में, आप अलग से लिख लीजिएगा सर. देखिए क्या है 197A, व्यवस्था देता है 15G 15H की. सेक्शन 192A को, सेक्शन 192A को और सेक्शन 194DA को, इनको भी सर 15G 15H के एम्बिट में लेकर के आ गए. 194DA इंश्योरेंस पॉलिसीज के पेमेंट की बात करता है और 192A अभी आपने पीएफ विड्रॉल में देख लिया था. हो सकता है किसी का पीएफ विड्रॉल टैक्सेबल हो रहा है, वो 89 की रिलीफ क्लेम करके टैक्स लायबिलिटी नीचे लेकर के आ जाए सर, तो वो देन इन दैट केस 15 CACB 15G 15H दे करके एग्जम्पशन क्लेम कर लेगा. सेल्फ डिक्लेरेशन बेनिफिट प्रोवाइडेड. नेक्स्ट सर, सेक्शन 200A. सेक्शन 200A is the processing of the TDS statement which are filed by the SSE. We all know that where you file your TDS return late, you have to pay the fees according to the provision of 234E. Am I right? 234E is the section for fees, it is not for interest. So when this fees is payable, because you have delayed your return, you have not filed your return, and in 200A, an intimation is generated because of there being a default, because of there being a delay, because of there being a recomputation, fees also takes color from the TDS amount sometime. Then in that case, this particular fee should also become the part of 200A intimation. Earlier 200A intimation does not have a reference to section 234E, and now a specific reference of 234E is inserted into section 200A. Ke ab AO जब 200A में प्रोसेस करेगा सर आपकी टीडीएस रिटर्न को, तो वो सर अगर 234E में वेरिएशन आते हैं फीस के, वो वेरिएशन आपसे मांग लेगा. बस इतना सा अमेंडमेंट है. चलिए आगे चलता हूं सर. इसके बाद में सर नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 234B. क्या चेंज आ गया सर? सेक्शन 234B में एक सबसेक्शन 1, एक सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 1 तो सर नॉर्मल आपकी रिटर्न आप जैसे फाइल करते हैं, या आपका 140A या 143(1) होता है, उस समय तक का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करता है. बट सम टाइम योर रीअसेसमेंट गेट्स ओपन अप. एंड इसको प्रैक्टिकली समझिएगा सर. इफ लेट अस अज्यूम इन अ पर्टिकुलर केस द एसएससी हैज फाइल्ड हिज रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15. ही पेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑन दिस डेट एंड लेटर एन इंटीमेशन वॉज जनरेटेड अंडर सेक्शन 143(1). एक्चुअल इंटीमेशन आई सर. एक्चुअल इंटीमेशन किस किस बेसिस पर आती है? अर्थमेटिकल एरर और अपेरेंटली इनकरेक्ट क्लेम इन द रिटर्न फाइल्ड बाय द एसएससी. एक एक्चुअल इंटीमेशन आई सर, इसकी डेट है 31 अगस्त 2015. अब 31 अगस्त 2015 को एक्चुअल इंटीमेशन आई, एसएससी ने जो भी टैक्स पे करना था वो पे कर दिया. लेट से यहां इसने 40,000 था, यहां 50,000 था, तो सर जैसे ये 40 से 50 होगा तो अकॉर्डिंगली 234B में वेरिएशन आएगा और 234B एसएससी ने पे कर देना. अब इसके बाद में क्या हुआ सर? लेट्स अज्यूम 11 जून 2019 को इनकम एस्केप्ड असेसमेंट का असेसमेंट खुला और उस समय एसएससी की टैक्स लायबिलिटी सर 15 लाख डिसाइड हुई. अब 15 लाख रुपए में से पिछले टैक्स के पेमेंट का तो क्रेडिट मिलेगा, ये तो एक अलग बात है. पहले इंटरेस्ट एडजस्ट होता है, फिर टैक्स एडजस्ट होता है. 234B का जो मीटर है, 234B इज मीटर, वॉज अर्लियर स्टार्टिंग आफ्टर दिस डेट till this particular order is made. Let's say this order is made on 30th of September 2019. So sir, जो आपका interest का meter चला वो यहाँ से, किसी केस में AO ने इसको लागू कर दिया 1 अप्रैल 2014 से, assessment year की day 1 से. तो SSC कह रहा है सर इससे इसके बीच का interest थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा 143(1) हो चुका था या मेरा 143(3) हो चुका था. आप मेरा जो interest लगाएंगे वो इसके बाद के period का लगाएंगे. समझ गए सर आप कहने का मतलब? क्या फर्क आ जाएगा सर अगर 1 अप्रैल 2014 से कैलकुलेशन शुरू हो जावे तो? इंटरेस्ट वुड इंक्रीज. कर दिया सर सरकार ने कार्यक्रम. ठीक है, क्या
कि नाउ दिस इंटरेस्ट शेल बी कैलकुलेटेड इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, विच इज लॉजिकल इवन सर, 1 अप्रैल से मीटर चलेगा, ये है सर 234B में आया अमेंडमेंट। जो अगला अमेंडमेंट आया सर 234B में, एक नया सबसेक्शन और इंसर्ट कर दिया, और वो ये बोला सर कि 245C में जब ITSC में आप एप्लीकेशन कर रहे हो, तो ITSC में एप्लीकेशन करते समय भी इंटरेस्ट की गणना करनी है, वो इंटरेस्ट की गणना भी असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल से कर लेंगे। पहले ये स्पष्ट बात नहीं थी, अब इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि ITSC में जाते समय भी इंटरेस्ट की गणना आपको 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से करनी है, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से करनी है। सर ये दो अमेंडमेंट 234B में आए हैं जो मेरी ओपिनियन में इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। मैं आगे चलता हूं सर इसके बाद। अब मैं चल रहा हूं सर सेक्शन 245A पर, आइएगा। सेटलमेंट कमीशन में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जिन पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन 245A, आई विल क्विकली कवर देम। अभी कोई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट अपने पास में नहीं बचे, इसलिए आप चिंता ना करें, ठीक है। आप तो ये चिंता करो सर कि ये अमेंडमेंट अपने को कैसे ग्रास्प करने हैं कि अपन एग्जाम में ये आए और अपने से फिर गलत नहीं हो। वी शुड बी एबल टू अटेम्प्ट देम इन द राइट सेंस। नाउ व्हाट इज बीन डन इन टू सेक्शन 245A इज, लेट्स अज्यूम माई केस अंडर सेक्शन 147 रेड विथ 147 इज पेंडिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 11 एंड 12, ठीक है। 11-12 असेसमेंट ईयर के लिए मेरा एक केस पेंडिंग है, और ये पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर जो 11-12 का पेंडिंग है, लेट से इसके लिए नोटिस आया था सर 3 मार्च 2016 को। इफ आई वॉन्ट टू गो बिफोर ITSC, कैन आई गो बिफोर ITSC इन दिस केस और नॉट? क्या सेक्शन 147 की पेंडेंसी ITSC में जाने के लिए आपको एलिजिबिलिटी देती है या नहीं देती है? नाउ वेरी स्पेसिफिकली इट प्रोवाइड, ठीक है। अब मैं जाना चाहता हूं सर 11-12 में ITSC में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि मैं ITSC में चला तो जाऊंगा, मेरे पास में 3 सोर्सेज और हैं ABC जो उन्हें बताऊंगा, क्योंकि मुझे ITSC में क्या देना है, फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर एंड दैट विच आई हैव नॉट डिस्क्लोज बिफोर द यू। नाउ दीज 3 सोर्सेज अपरेंटली रन फर्दर ऑल्सो, एंड दीज 3 सोर्सेज वर ऑल्सो प्रिवेलेंट इन द असेसमेंट ईयर 10-11, ठीक है। अब मैं इन ईयर्स को भी ITSC में ले जाना चाहता हूं, समझ गया सर क्वेश्चन क्या है? कैन आई गो, जबकि इनके लिए किसी के लिए नोटिस नहीं आया, ना इन 3 का नोटिस है सर, ना इन 3 का नोटिस है। कैन आई गो इन टू ITSC बाय टेकिंग अलॉन्ग विद दिस ऑल दीज ईयर्स ऑल्सो? अगर मैं ले जाऊं तो सर बेनिफिट हो जाएगा, नहीं ले जा पाऊंगा तो देन इन दैट केस सर इनमें जो कार्यक्रम करना है वो कौन करेगा? EO करेगा। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ EO डूइंग इट इन अ हार्श मैनर वुड इंक्रीज, एंड द पर्पज ऑफ गोइंग टू द ITSC डज नॉट मीट एन एंड, बिकॉज सर यहां पर तो ये एक ईयर में ही मामला सलटेगा, बाकी ईयर कौन संभालेगा, इसलिए SSC कीप साइलेंट। टू मेक इट प्रैक्टिकल नेसेसरी अमेंडमेंट इज मेड इन सेक्शन 245A टू से दैट कि आपको ये जो नोटिस दिया उस दिन और किस किस ईयर के नोटिस दे सकते थे, अगर उन ईयर के नोटिस भी दे सकते थे तो उनको भी आप ITSC में ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। अगर और सर ITSC में एप्लीकेशन सर्च एंड सीजर के केस में कितने किए? 50 लाख प्लस टैक्स, और बाकी केसेस में सर 10 लाख प्लस टैक्स। तो आप सारे ईयर में भी मिलाकर के अगर 10 लाख प्लस का टैक्स ले जाओगे तो देर आर मोर चांसेस दैट यू मे गेट द बेनिफिट फ्रॉम द ITSC। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ITSC? क्या बेनिफिट मिलता है सर? इम्यूनिटी फ्रॉम लेवी ऑफ पेनल्टी एज वेल एज प्रोसिक्यूशन। आइए जरा पढ़िए मेरे साथ में, किसने बोला सर? केस की डेफिनेशन में पढ़ रहा हूं 245A में। केस अ प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रीकंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस फ्रॉम द डेट ऑन विच अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज इशूड फॉर एनी असेसमेंट ईयर। अब सर इसके लिए तो नोटिस इशू हो गया, ये तो प्रोसीडिंग है ही। आगे देखिए नई बात जो आई, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस रेफर टू इन सब क्लॉज ए, इसी डेट से वापस से शुरू हो जाएगा। कौन कौन से ईयर के लिए? फॉर एनी अदर असेसमेंट ईयर और असेसमेंट ईयर फॉर विच अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 हैज नॉट बीन इशूड, जिनके लिए 148 का नोटिस इशू तो नहीं हुआ लेकिन हो सकता था, बट सच नोटिस कुड हैव बीन इशूड ऑन दैट डेट इफ द रिटर्न ऑफ इनकम
for the other assessment year or assessment year has been furnished under section 139 or in response to a notice under section 142. अब जरा समझिए सर, क्या 10-11 के लिए 3 मार्च 2016 को नोटिस हो सकता था क्या? 10 मार्च के लिए 3 मार्च 2016 को जब ये नोटिस इशू हो गया 148 का, ध्यान से समझना सर, क्या 3 मार्च 2016 को असेसमेंट ईयर 10-11 के लिए नोटिस इशू हो सकता है या नहीं हो सकता? यस हो सकता है, कितने लोग मानते हैं? नहीं हो सकता, कितने लोग बोलते हैं? सर 6 साल होते हैं 31 मार्च 2017, जनरली क्या देखते हो, 6 साल, 0 to 4, 4 to 6, ठीक है, हो सकता है। अब सुनिए सर, 9-10 के लिए हो सकता था क्या कार्यक्रम? आप 9-10 को ले जाना चाहते हो, ले जा सकते हो? यस। 8-9 ये नहीं ले सकते सर एप्लीकेशन। क्या लोगे? 9-10 लोगे, 10-11 लोगे, तो सर ये ले लिया, 11-12 ले लिया, तो क्या 12-13 भी ले लोगे क्या? 12-13 ले सकते हैं, 14-15 ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए 148 का नोटिस आ सकता है। इज इट बेनिफिटिंग टू द एसएससी और नॉट? यस इट इज बेनिफिटिंग। आया बात समझ में? ये क्वेश्चन है सर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जी 9-10 और 10-11 को लेकर के जा रहा है एसएससी, लेकिन इसमें तो कोई रिटर्न थी नहीं, इसमें एक रिटर्न थी 142-11 के रिस्पॉन्स में, तो सर इस ईयर को तो ले जावे, लेकिन इस ईयर को नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि एसएससी ने पहले रिटर्न ही नहीं भरी। टेक्निकली क्या लगा दिया कि उन ईयर्स के लिए जिनको अब एसएससी खुद ले जाना चाहता है, पहले एसएससी ने 139 में या 142 के रिस्पॉन्स में रिटर्न भरी हो। इफ ही हैज नॉट फाइल्ड अ रिटर्न अर्लियर, ही कैन नॉट डू दिस मैनर, ही कैन नॉट फॉलो दिस मैनर। आगे बात समझ में सर? नेक्स्ट चलिएगा 245(d)(4) एंड देयर आफ्टर। सबसेक्शन 4 में नहीं है सर, अमेंडमेंट तो हमारा सबसेक्शन 6A में था, इसके बाद में है सर 6B। मैं केवल 6B पर फोकस दे रहा हूं सर। देखिए क्या है, ITSC अपने ऑर्डर को अमेंडमेंट कर सकती है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, अक्सर ये पूछते हैं कि क्या ITSC अपने ऑर्डर को अमेंडमेंट कर सकती है नहीं कर सकती। यस, इफ देयर इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल। अब देयर वॉज नो क्लियर कट प्रोविजन हाउ द ITSC वुड रेक्टिफाई व्हेन द एसएससी विल ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड सम रेक्टिफिकेशन रिलेटेड क्वेरी और व्हेन द डिपार्टमेंट विल ब्रिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज देयर वॉज अ सुओमोटो पावर, द पावर ऑन अ रेफरेंस और एन एप्लीकेशन वॉज नॉट क्लियर, विच हैज बीन नाउ क्लेरिफाइड बाई वे ऑफ अमेंडमेंट। आई रीड इट, सुनिएगा। सेटलमेंट कमीशन मे विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड amend any order passed by it under subsection 4A at any time within a period of 6 months from the end of the month in which the order was passed. खुद के order जहां उसने pass किया उसके month end से 6 महीने में suo moto कर दे। दूसरा, at any time within a period of 6 months, this is new, at any time within a period of 6 months from the end of the month in which an application for rectification has been made by the principal commissioner or the commissioner or the applicant as the case may be। आगे बात समझ में सर, के 6 months from the end of the month in which application is made में rectification करना पड़ेगा। आगे देखिए, provided that no application for rectification shall be made by the principal commissioner or commissioner or the appellant after the expiry of 6 months from the end of the month in which order under subsection 4 is passed by the settlement commission। ये और डाल दिया सर कि वो जो assessee है या department है वो ITSC के सामने रेक्टिवेशन की एप्लीकेशन रिलेवेंट ऑर्डर की रिसीट के 6 महीने बाद नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने एप्लीकेशन कर दी तो ITSC को जिस मंथ में एप्लीकेशन आई उस महीने के 6 महीने बाद के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर ITSC रेक्टिवेशन कर देगी। एक और प्रोविजो, एन अमेंडमेंट विच हैज द इफेक्ट ऑफ मोडिफाइंग द लायबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट शैल नॉट बी मेड अंडर दिस सबसेक्शन अनलेस सेटलमेंट कमीशन हैज गिवन नोटिस टू द एप्लीकेंट एंड प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर of its intention so to do and has allowed the applicant and principal commissioner or commissioner opportunity of being heard, because we all know opportunity of being heard is always inbuilt in the act unless specifically excluded। theek hai, standard statement, zara chaliye sir 245h mein inhone kya vyavastha kar di, they said ITSC immunity deti hai sir penalty se aur prosecution se। पेनल्टी की इम्यूनिटी बड़ी या प्रोसिक्यूशन की बड़ी? प्रोसिक्यूशन की बड़ी, वी ऑल अंडरस्टैंड। ये कह रहा है सर ITSC's इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर।
टेक्निकल टर्म क्या बोल दी सर मैंने, स्पीकिंग ऑर्डर। देयर हैज टू बी अ लॉजिक विच विल बी प्रोवाइडेड बाय आईटीएससी इन इट्स ऑर्डर व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी। ओके, सो आईटीएससी शैल फर्स्ट रिकॉर्ड द रीजन बेस्ड ऑन विच इट इज प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। Therefore, if the order of the ITSC is now being passed, it will provide the logic based on which the prosecution-related waivers or immunities are being granted by the ITSC. Yes, sir, technical level 245H ke andar aa gaya. Ab dekhiye inhone kya likha? Fit to impose for the reason to be recorded in writing. Pehle apne reason karenge record likhit mein, fir immunity denge. Aage chalte hain sir. 245HA. 245HA provides, in certain cases, the proceeding before ITSC shall abate. जैसे अगर ITSC के सामने application reject हो गई, CIT की report के basis पर reject हो गई, 18 months from the end of the month के अंदर ITSC का final order नहीं आया, एक case और इन्होंने डाल दिया। वो case क्या डाल दिया सर? कि अगर ITSC ने अपने order के अंदर settlement किन शर्तों पर किया, वो कंडीशन नहीं लिखी, यानी फिर बात क्या आ गई, स्पीकिंग ऑर्डर। इफ द कंडीशंस अंडर विच द सेटलमेंट इज बीइंग ग्रांटेड आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द आईटीएससी इन इट्स ऑर्डर विच इज अ टेक्निकल एरर, देन द प्रोसीडिंग बिफोर आईटीएससी शैल अबेट। और हम सब समझते हैं सर, आईटीएससी के सामने प्रोसीडिंग अबेट होने का मतलब क्या होता है, मामला किसके पास जाएगा? एओ के पास। उससे खतरनाक कोई स्थिति हो नहीं सकती। एओ कहेगा आओ अब हम कार्यक्रम करेंगे आपका, ठीक है। सो 245HA हो गया सर। अब आइए 245K, इसमें एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सर, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको पहले बोला 147, अब बोल रहा हूं सर ये, तो इसमें क्या चीज है समझना। देखिए 245K बोलता है, अगर आपको आईटीएससी से एक बार रिलीफ मिल गई, सेटलमेंट मिल गया, तो बार बार मत आओ। क्यों भाई? क्योंकि आप बार बार चोरी करोगे, बार बार आईटीएससी में चले जाओगे और आपको इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एज वेल एज प्रोसिक्यूशन मिल जाएगा। तो मैं इसको ऐसा सिखाता हूं सर, आईटीएससी इज नाउ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सोच समझ करके आपको इसको अप्लाई करना। अब लोग करते क्या है सर, पीपल इन इंडिया आर जुगाड़ू दिमाग, ठीक है। तो व्हाट डू दे डू, अभी मेरे को चोरी की आदत पड़ गई तो वो जाती नहीं है, ठीक है। तो देन इन दैट केस, एक बार चोरी की आदत पड़ी तो देन इन दैट केस मैंने प्रोपराइटरशिप धंधे में करी, अगली बार क्या किया, किसी को साथ मिला के पार्टनरशिप कर ली। तो अब के सेटलमेंट में कौन जा रही है जी? फर्म जा रही है, प्रोपराइटर तो जा ही नहीं रहा। बोले किसने कहा आईटीएससी में दोबारा नहीं जा सकते, हम जाके दिखाएंगे हम बे, ठीक है। तो देन इन दैट केस द पॉइंट इज व्हाट, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इन टू 245K। 245K सबसेक्शन 2 पढ़ता हूं सर, सुनिए पहले। तो वेयर अ पर्सन हैज मेड एन एप्लीकेशन अंडर 245C ऑन एंड आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जून 2007 एंड इफ सच एप्लीकेशन हैज बीन अलाउड to be proceeded with under subsection 1 of 245D, such person or any related person shall not be subsequently, क्या बोला सर, any related person, ये italics में आ गया सर, such person or any related person shall not be subsequently entitled to make application under 245C, related person, ये related person सर हर जगह आ रहा है, application करते समय भी आता है, 153C में भी आता है, बहुत सारी जगह सर अब related person की ओर सुई घूमने लग गई। अब देखिए क्या बोला, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन रिलेटेड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन मींस वेयर सच पर्सन इज एन इंडिविजुअल एनी कंपनी इन विच सच पर्सन होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर और वोटिंग राइट एन एनी टाइम और एनी फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इन विच सच पर्सन इज एंटाइटल टू मोर देन 50% ऑफ प्रॉफिट एट एनी टाइम और HUF इन विच सच पर्सन इज अ कर्ता। अब मैं दूसरी फर्म में जाकर के अगर आईटीएससी में जाना चाहता हूं और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आईटीएससी का ऑलरेडी बना हुआ है और वहां मेरा 50% का कोई प्रॉफिट शेयरिंग है, देन दैट पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रीच टू आईटीएससी। लेकिन मान लीजिए मेरे पास तो मात्र 5% का ही प्रॉफिट शेयर है, देन द फर्म कैन रीच टू द आईटीएससी। ऐसा क्वेश्चन आपसे बना करके पूछ सकता है कि कब एप्लीकेशन हो सकती है, कब नहीं हो सकती। नेक्स्ट सुनिए सर, सच पर्सन इज अ कंपनी, ठीक है। अब सच पर्सन इज अ कंपनी, एनी इंडिविजुअल हु होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर और वोटिंग राइट इन सच कंपनी एट एनी टाइम बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन बिफोर सेटलमेंट बाय द पर्सन। पहले कंपनी थी, कंपनी ने सेटलमेंट ले लिया, अब उसका कोई शेयर होल्डर है जो 50% से ज्यादा इक्विटी रख रहा है तो वो इंडिविजुअल भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट, वेयर सच पर्सन इज अ फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल
एनी इंडिविजुअल हु इज एंटाइटल टू मोर देन 50% ऑफ द प्रॉफिट इन सच फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एट एनी टाइम बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन बिफोर द सेटलमेंट बाय सच पर्सन एंड लास्ट सर वेयर सच पर्सन इज एचयूएफ कर्ता ऑफ द एचयूएफ कर्ता नहीं कर सकता सर लेकिन अदर मेंबर तो कर ही सकते हैं तो बिकॉज सर एचयूएफ में मेन प्लेयर जनरली कर्ता होता है इसलिए सर इन्होंने कर्ता को रोका है सर ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ध्यान रखिएगा अब चलते हैं सर नेक्स्ट आइएगा सेक्शन 253 में बस इतना सा ही बोलना है सर के कोई अगर रिटर्न होती है कोई ऐसा मामला जहां 1023 सी क्लॉज 6 या 6A का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तो वो पर्टिकुलर मामले में सीधे अपील ITAT में होती है पहले ये मामला 12AA पर स्पेसिफिकली लिखा था 1023 सी 6 और 6A में नहीं लिखा था 1023 6 एंड 6A अप्लाई फॉर द एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन हुज ग्रॉस रिसीट एक्सीड ₹1 crore एंड दे विश टू क्लेम 1023 सी बेनिफिट दे हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इफ रजिस्ट्रेशन नॉट ग्रांटेड दे मे फाइल एन अपील बिफोर ITAT नेक्स्ट चलिए सर 263 आइएगा सर 263 सबसेक्शन 1 देखिए क्या है 263 रिविजन इज पॉसिबल इफ द CIT कॉल्स फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एन असेसमेंट प्रोसीडिंग विच हैज बीन कंप्लीटेड बाय द EO And on his examination, he finds that the order passed therein by the assessing officer was erroneous and prejudicial to the interest of revenue. There has been much litigation on this term. What is a term erroneous? What is an erroneous order? So some clarification in this regard has been inserted in section 263, subsection 1, by way of trying to give the more reference to what is being treated to be erroneous. कि अरनियस क्या होता है सर इसके एक एक्सप्लेनेशन 2 लेकर के आए सर वो एक्सप्लेनेशन 2 कहता है फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन यानी 263 के पर्पज से इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट एन ऑर्डर पास बाय द EO शैल बी डीम्ड टू बी अरनियस इन सो फार एज इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इफ इन द ओपिनियन ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ए एक एक चीज को आप समझिएगा सर Order is passed without making enquiries or verification which should have been made. ऐसी enquiry जो EO को कर लेनी चाहिए थी और वो enquiry उसने नहीं करी तो order erroneous है मामले के अंदर जांच वापस से CIT 263 मोड में कर सकता है I give you an example. कि एक असेसी का केस सर उसमें 147 में केस खुला 147 में केस खुला सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन के मामले आए तो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन पर एक स्टेटमेंट हमने ऑफर किया जिसमें हमने बोला कि साहब ये एसएससी का ये पीएनएल है और सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन में इसने लॉस खा लिया तो अब 147 ड्रॉप हो गया क्योंकि उसने लॉस खा लिया EO ने वो पर्टिकुलर 147 के ऑर्डर को जिसमें ड्रॉपिंग की गई थी खोल लिया और खोल करके CIT ने खोला रिविजन में और उसने बोला कि यार आपने ये तो देख लिया कि इसके पास में लॉसेज है ये नहीं देखा कि ये सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन इसने कौन से बैंक खाते से किए और उसका जो बैंक खाता असेसमेंट रिकॉर्ड में लग रहा था वो था सर सैलरी खाता उस सैलरी अकाउंट में सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन ही नहीं थे ट्रांजेक्शन जो थे सर वो एक दूसरे अकाउंट में थे वो दूसरे अकाउंट को EO रिकॉर्ड पर ही नहीं लाया उस दूसरे अकाउंट में सर एसएससी के 11 लाख रुपए लगे थे वो 11 लाख रुपए सर जो एसएससी के लगे थे वो कहां से आए थे ये EO ने क्वेश्चन ही नहीं किया तो सर वो 11 लाख रुपए तो एसएससी की अनडिस्क्लोज इनकम हो सकती थी तो CIT इस केस में CA साहब जाकर के रिवीजन करना चाहता है बोलिए सर इस कॉन्टेक्स्ट में कर सकता है नहीं कर सकता आगे ही बात समझ में ठीक है पहले इन विषयों पर विवाद रहते थे कि बोला सर EO ने सारी चीज तो ले ली रिकॉर्ड पर अब उसने एक क्वेरी पूछी नहीं तो क्या करें CIT कैसे इसको एररनेस मांगता है जो चीज है उस पर तो वो एरर नहीं है ठीक है तो अब सर ये पावर मिल गई CIT कैन गो इवन ऑन दोज ग्राउंड सुनिए The order is passed without making enquiries or verification, which should have been made. Order is passed allowing any relief without enquiry into the claim. आपने किसी को 80IA IB दे दी ये देखा ही नहीं कि वो 80IA IB के लिए एलिजिबल एसएससी है नहीं है स्कीम की शर्तें पूरी करी नहीं करी रजिस्ट्रेशन आया था नहीं आया था सो ऑल दीज थिंग्स विल गिव द बेसिस ऑफ 263 बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सर नेक्स्ट ऑर्डर हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद एन ऑर्डर डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन इशूड बाय बोर्ड अंडर सेक्शन 119 EO ने हो सकता है CBDT के किसी इंस्ट्रक्शन को ध्यान नहीं रखा इंस्ट्रक्शन को सर्कुलर को ध्यान नहीं रखा CIT को ध्यान है CIT उसका रेफरेंस ले लेगा नेक्स्ट
The order has not been passed in accordance with any decision which is prejudicial to the assessee rendered by the jurisdiction High Court or Supreme Court in the case of assessee or any other person. देखिए सर क्या आया, किसी दूसरे person का भी jurisdiction High Court का judgment है या Supreme Court का judgment किसी भी case में है, उसका reference अगर ये उन्होंने नहीं लिया तो CIT उसका reference लेकर के 263 कर सकता है। ये चारों चीजें सर ध्यान रखिएगा, this is important। अब मैं चलता हूँ सर 269SST पर। We have to discuss the provision of section 269SS and 269T. 269SS, 269T, we all are aware that these provisions are applicable in respect of acceptance of the loan or deposit and the repayment thereof. And these sections say that you cannot accept under section 269SS provision any loan or deposit greater than or equivalent to 20,000 in cash, if individually or aggregate along with the previous borrowing or the previous acceptance of the deposit. What has been newly introduced into section 269SS, 269T is the term specified sum. So it says that you can not only accept the loan or deposit exceeding or equivalent to 20,000 in cash, you can also not accept the specified sum in cash greater than or equivalent to 20,000, which is a specified sum. Now, what this specified sum is, that has been specifically defined, and mainly it is just real estate transaction. Ke real estate ke bahut sare transactions sir nakad mein hote hain ya hote the, apan ye kehna zyada acha hoga, aur unke andar kyunki cash ke andar sir source ka pata chalna mushkil rehta hai, so us transaction ko sir surface par lane ke liye sarkar ne 269SS, 269T mein necessary amendment kar liya. एंड सर 20,000 से कम की कोई रजिस्ट्री है तो ये चीज प्रैक्टिकली होगी नहीं, अगर हो गई तो बहुत बढ़िया, और 20,000 या उससे ऊपर की कोई भी रजिस्ट्री है सर आज की डेट में और उसमें आपने एंट्री लगा दी कैश की जो कि 20,000 या उससे ज्यादा की है, तो इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी 271D में लगना है और सेम का सेम मामला सर पेमेंट पर भी होना है। अब इसको ऐसा मैं कह सकता हूं, इफ द पी हैज एग्रीड टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू क्यू for a consideration of rupees 40 lakh and he has accepted 3 lakh rupees in cash and the remaining 37 lakh rupees was by way of check. The question comes that whether this 3 lakh rupees is a violation of the provision of section 269SS or not, and if it is a violation, this is applicable on Q or is it applicable on P? On whom? P. How many of you agree P? How many of you agree Q? Both. How many of you say both? Okay, so this is good that we are understanding both are liable. Okay, let's see what section 269SS provides. I read it. No person shall take or accept from any other person herein referred to as the depositor mode of taking any loan or deposit or any specified sum otherwise than by way of account pay check, account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account if the amount of such loan or deposit or a specified sum or the aggregate amount of such loan or deposit or a specified sum is 20,000 rupees or more. Ab aage chalta hu sir main ek bar explanation mein jo specified sum ko define karta hai. Specified sum means any sum of money receivable whether as advance or otherwise in relation to the transfer of an immovable property whether or not transfer takes place. Now this is important. Whether or not transfer takes place, हो सकता है आपका सौदा ultimately materialize ही ना हो, आपने किसी से advance लिया for sale of property and then you have either forfeited or you have refunded. Even if you have forfeited, 269SS operation takes place. Or you have not forfeited, you have refunded, but you have accepted in cash, 269SS still operates. Now 269SS, the terminology used is no person shall take or accept. So this is on whom? The person who is taking or accepting. So who is accepting, sir? P has agreed to sell to Q and Q in turn has paid to P. So who is accepting? P. P is accepting in cash. P will be liable for 271D. So 269SS is established on P, not on Q. Q par ye particular mamla establish hi nahi ho raha, sir. Kis par establish ho raha hai, sir? P par establish ho raha hai. Ke P cash mein accept nahi karega 20,000 अथवा उससे अधिक की राशि। हाँ,
अगर ये 3 लाख रुपए सर 10-10 हजार करके एक्सेप्ट किए होते तो क्या एग्रीगेशन देखना है या नहीं? फिर पेनल्टी कितने की लगती सर? 2,90,000। सुनिए मैं क्या बोल गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि पहले 10 हजार में तो दिक्कत थी ही नहीं, लेकिन अगला जैसे ही 10 आया टोटल कितना हो गया? 20, और फिर तो बढ़ता ही गया। सो अकॉर्डिंगली 269SS वुड टेक द ऑपरेशन। अब सर आइए 269T पर, क्या देखें वो किस पर लगता है सर? सुनिएगा, 269T, नो ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक एंड नो अदर कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नो फर्म और अदर पर्सन शैल रीपे। अब ये क्या बोल रहा है सर? शैल रीपे एनी लोन और डिपॉजिट मेड विद इट और एनी स्पेसिफाइड एडवांस रिसीव बाइड। क्या बोला? एनी स्पेसिफाइड एडवांस रिसीव बाइड। तो जो लॉजिक अपन बनाने की सोच रहे थे कि दोनों पर लग जाए, सर दोनों पर नहीं है। और ये बात तो बड़ी पक्की है सीए साहब, 269SS और 269T सेम पर्सन पर लगते हैं, दो अलग अलग पर्सन पर लगते ही नहीं। हिस्टोरिकली 269SS, मैंने आपसे 40,000 का नकद में लोन लिया और आपको 40,000 नकद में वापस कर दिए सर, ठीक है? तो मैंने पहली गलती करी 40,000 नकद में लेने की, दूसरी गलती करी 40,000 नकद में चुकाने की। सर मेरे पे पेनल्टी लगेगी 80,000। यानी किस पर लगा? सीधा मेरे ऊपर लगा, आप पर कोई लायबिलिटी नहीं है। द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग, पर्सन हु इज रीपिंग। अब सर इसने 3 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद में डील मेटरलाइज नहीं हुई, वट एवर द सर्कमस्टांसेज ऑफ क्यू वर देयर, इट कुड नॉट मेटरलाइज। क्यू ने बोला यार कुछ तो पैसा मेरा वापस कर दो, 3 लाख रुपए अभी साई हुए थे, बाकी का ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। तो क्यू ने इसमें से 1 लाख रुपए वापस ले लिए, किससे सर? पी से। पी ने 1 लाख रुपए कैश वापस रीपे कर दिया, ये आ गया रीपेमेंट, ये फिर नॉन कंप्लायंस हो गई। तो इसका मतलब टोटल नॉन कंप्लायंस मेरे एग्जांपल में सी साहब कितने की हो गई? 4 लाख की। पेनल्टी कितने की लगेगी? 3 लाख की 271D में, 1 लाख की 271E में। बी स्पेसिफिक, 3 लाख की 271D में, 1 लाख की सर सेक्शन 271E में। आई होप इट इज क्लियर, इससे ज्यादा कुछ समझना नहीं सर अपने को, ओके? सो द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग एंड ही इज रीपेइंग अंडर नो सर्कमस्टांस द बायर इज कवर्ड इन टू 269SS और टी। It is only the seller or the prospective seller who finally could not sell will be covered under the ambit of section 269SS or 269T. Okay? अब चलता हूं सर इससे आगे। Next है सर 271C, concealment penalty। इस पर क्वेश्चन पक्का है सर, ये मेरे को लगता है, ठीक है? देखिए क्या है, whenever concealment penalty is levied under section 271 subsection 1 clause C, the formula says that the concealment penalty would be levied between 100% to 300% of tax amount sought to be evaded. So the question comes, what is tax amount sought to be evaded? And this tax amount sought to be evaded is very clear. मैंने 1 लाख रुपए का टैक्स दिया, फाइनली मेरा 5 लाख रुपए निकाल दिया टैक्स, तो देन इन दैट केस ये सब 4 लाख रुपए टैक्स अमाउंट सॉट टू बी इविडेड होता है। दैट इज डैम सिंपल। बट in the case of companies, in the case of associates who are covered under the AMT provision, the situation goes complex because there are two simultaneous computation. And these two simultaneous computations say that the one which will end up giving the higher tax liability would be paid. So the levy of the penalty would be restricted generally to that particular amount which is determined as the final liability, either as normal liability or MAT or the AMT liability. जबकि सर मैं बुक प्रॉफिट की गणना में भी गलती कर सकता हूं जानबूझ करके, आई मे प्रोवाइड इनएक्यूरेट पर्टिकुलर और आई मे कंसील द पर्टिकुलर्स और आई मे क्लेम दोज विच आर नॉट अलाउबल टू मी बट आई एम अवेयर दैट दिस इज नॉट अलाउबल बट आई एम स्टिल क्लेमिंग, दिस इज ऑल्सो कंसीलमेंट। सो द पॉइंट इज व्हाट सर, लेट्स अज्यूम अ कंपनी इज कैलकुलेटिंग इट्स नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी विच इज ऑन 30 लाख रुपीज एंड इज ऑल्सो कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑन बुक प्रॉफिट ऑफ 10 लाख। So naturally, by way of looking into the figure, you can tell, sir, here the 30% would apply and here the 18.5% would apply. So it means this would become 9 and this would become 1.85. Now what will be final? It will be the 9 which will be paid. During the course of examination of books of account document and during the course of assessment thereof, the AO has inflated this 30 to the tune of rupees 40 and this 10 to the tune of rupees 12. तो सर जब क्या हुआ, फाइनली इस केस में अभी भी टैक्स लायबिलिटी क्या बननी है, 40 और 30 के हिसाब से 12 बननी है। लेकिन सर इसने अपनी मैट की रिपोर्टिंग भी गलत कर रखी है,
मैट की रिपोर्टिंग भी सर गलत कर रखी है। अब आप बोलोगे सर कोई मैट क्रेडिट तो जा नहीं रही इसलिए फर्क नहीं आ रहा, लेकिन सर कोई पिछली मैट क्रेडिट का एडजस्टमेंट हो सकता होगा। तो सरकार क्या बोल रही है, सर हमने एक फॉर्मूला बना दिया ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। कितना सुंदर फॉर्मूला है सर, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। नाउ इन दिस फॉर्मूला द गवर्नमेंट इज सेइंग ओके व्हाट वी विल डू, ए इज द नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी व्हिच इज डिटरमाइंड नाउ, बी इज द टैक्स लायबिलिटी व्हिच इज डिटरमाइंड आफ्टर रिड्यूसिंग फ्रॉम योर असेस्ड इनकम व्हाट हैज बीन कंसील्ड। तो कंसील्ड वाले को घटा दीजिए, तो कंसील्ड वाला हो गया 10, वो घटा दिया तो बाकी पर आई थी 9। और ऐसे ही सर आपकी एएमटी या मैट के अंदर जो अब लायबिलिटी हम लेकर के आ रहे हैं वो आ रही है 12/18, कितना परसेंट हुआ 2.22। सो 2.22 माइनस 1.85, आपने गलती यहां भी की है। तो गवर्नमेंट कह रही है आपकी टैक्स अमाउंट सॉट टू बी एविडेड ये प्लस ये, टैक्स अमाउंट सॉट टू बी एविडेड ये प्लस ये है, एन अकॉर्डिंगली वी विल नाउ लेवी द कंसीलमेंट पेनल्टी 100% to 300% ऑफ टैक्स अमाउंट सॉट टू बी एविडेड इन दिस मैनर। सो द मैनर और द मैथड और द फॉर्मूला हैज बीन प्रोवाइडेड। ओके नाउ आई चेंज, मैं सर अब थोड़ा सा इसको एनहांस करता हूं। एनहांसमेंट क्या है वो आप मेरे साथ में समझिएगा। फॉर दैट 271(1)(c) रीडिंग इज रिक्वायर्ड। एक बार सर मेरे साथ एक्सप्लेनेशन 4 पर आइएगा। इस एक्सप्लेनेशन 4 को पूरा चेंज कर दिया गया, रीड्राफ्टिंग हुई इसकी। और रीड्राफ्टिंग में इन्होंने क्या बोला सर, मैं पढ़ता हूं। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 3 ऑफ दिस सबसेक्शन अमाउंट ऑफ टैक्स सॉट टू बी इवेडेड शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद फॉलोइंग फॉर्मूला ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, वेयर ए इज अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम असेस एज पर प्रोविजन अदर देन 115 JBJC, बी अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वुड हैव बीन चार्जेबल हैड द टोटल इनकम बीन असेस एज पर जनरल प्रोविजन बीन रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पर्टिकुलर्स हैव बीन कंसील्ड और इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स हैव बीन फर्निश्ड, सी अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम असेस एज पर प्रोविजन ऑफ 115 JBJC, एंड डी अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वुड हैव बीन चार्जेबल हैड द टोटल इनकम असेस्ड एज पर प्रोविजन कंटेन इन 115 JBJC हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पर्टिकुलर्स हैव बीन कंसील्ड और इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स हैव बीन फर्निश्ड। आगे प्रोविजो इंपॉर्टेंट है सर, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पर्टिकुलर्स हैव बीन कंसील्ड और इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स हैव बीन फर्निश्ड और एन इशू इज considered both under the provision of JB and JC and under the general provision, such amount shall not be reduced from the total income assessed while determining amount under item D. अब इसका interpretation आपको मेरे साथ में सीखना है सर, कि ये technical level अपन कैसे संभालेंगे। जरा ऐसा देखिए सर, कि एक assessee की company की income थी normal और सर book profit, नॉर्मल इनकम असेसी कंपनी ने ऑफर कर रखी थी सर 50 लाख रुपए और बुक प्रॉफिट ऑफर कर रखे थे लेट से सर 70 लाख रुपए। अब जब एओ ने असेसमेंट खोलना है सर तो वो दोनों चीजें लेकर के चलेगा, बिकॉज जिसमें इनमें से जो भी ज्यादा हो जाएगा दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू रिकवर फ्रॉम द असेसी। अगर अभी के स्टेटस पर सर मैं 30% और 18.5% लगाता हूं तो प्राइम ऑफ एसआई ये लगता है कि ये अमाउंट असेसी का ज्यादा बन जाएगा, असेसी वो अमाउंट दे देगा। अब यो ने क्या किया सर, इसके बाद में कुछ इंटेंजिबल एडिशन किए और कुछ सर टेंजिबल एडिशन किए। अब इंटेंजिबल एडिशन वो होते हैं सर जो ग्रॉस बेसिस पर किए जाते हैं, जैसे इस कंपनी ने सर टेलीफोन एक्सपेंडिचर के 10 लाख रुपए डेबिट कर रखे थे और यो ने बोला इसमें से 3 लाख रुपए वो एमडी के परिवार पर किए गए खर्चों को एडहॉक मानते हुए 30% एडॉक मानते हुए उसने इनकम में जोड़ दिया, 3 लाख रुपए जोड़ दिया। सर ये एडिशन बुक प्रॉफिट में नहीं होगा, क्योंकि बुक प्रॉफिट में एडजस्टमेंट की लिस्ट कैसी होती है, एक्सक्लूसिव लिस्ट होती है, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में सर एओ ने एक एडिशन किया कि एक असेसी कंपनी ने सर डोनेशन कुछ दिया था, वो डोनेशन को उन्होंने बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर दिया। तो ये जो डोनेशन सर उसने कंपनी ने क्लेम कर लिया था, कंपनी इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर मान रही है, एओ इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानता, तो एओ ने इसे बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में नहीं मानते हुए सर डिसअलाउ कर दिया। जब नहीं मानते हुए डिसअलाउ किया सर, तो उसने 5 लाख रुपए का ये अमाउंट और डिसअलाउ किया।
ये 5 लाख रुपए का डिसलाउंस भी सर बुक प्रॉफिट पर इंपैक्ट नहीं लेगा, ये 5 लाख रुपए का डिसलाउंस भी बुक प्रॉफिट पर इंपैक्ट नहीं लेगा। एक तीसरी केस सर, कुछ प्रोविजन थे सर, प्रोविजन के नेचर का कोई अमाउंट था और ये प्रोविजन अनअसर्टेन लायबिलिटी का प्रोविजन था। असेसी ने सर उसको यहां पर भी क्लेम कर लिया, असेसी ने यहां पर भी क्लेम कर लिया बुक प्रॉफिट में, क्योंकि हम बुक प्रॉफिट में जानते हैं सर अनअसर्टेन लायबिलिटी के प्रोविजन को जोड़ते हैं, तो असेसी ने सर उसको यहां भी घटा लिया, माइनस करके बुक प्रॉफिट लिया, यहां पर भी घटा लिया। लेट से ये अमाउंट सर फर्दर 10 लाख रुपए था। अब जरा समझना सर के मैं ये कह रहा हूं 3 लाख रुपए का एक एडिशन किया है, ये ग्रॉस बेसिस पर किया सर। दूसरा मैं ये कह रहा हूं सर एक टेंजिबल एडिशन किया कि एसएससी कंपनी डोनेशन क्लेम करके बैठी है जबकि उसको पता है डोनेशन नहीं मिलता, इन्होंने डोनेशन डिसअलाउ कर दिया। ये कह रहा है आपने इसे खर्चा दिखाने की कोशिश करी, ये खर्चा नहीं है साहब, ये डोनेशन है, मैं इसको डिसअलाउ कर रहा हूं। तीसरा एक प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी पीएनएल में क्लेम कर रखा है और साथ के साथ नॉर्मल में भी उसको क्लेम कर गए, देखे कौन देखता है। बाद में इन्होंने असेसमेंट खोल लिया तो ये चीजें कैप्चर कर ली। अब देखिए सर कंप्यूटेशन कैसे होगी। कंप्यूटेशन ये कहती है कि एक तो पहले इनकी इनकम असेस करिए, कितनी इनकम हो गई 50 + 3 + 5 + 10 कितना हो गया 60, ठीक है, और यहां पर भी हो गई सर 80, ठीक है। अब आप एक काम करिए सर के 68 पर टैक्स लायबिलिटी 30% ए हो गया, माइनस जो चीज कंसीलमेंट है उसको हटाकर इनकम कितनी है। सी एस आप 3 लाख का इंटेंजिबल एडिशन कंसीलमेंट नहीं होता, ये बात मैं लगातार सिखाता हूं, एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 271(1)(c), इंटेंजिबल एडिशंस आर नॉट कंसील्ड इनकम इन नेचर, इसलिए उन पर कंसीलमेंट की पेनल्टी लगती ही नहीं है। तो सर ये पेनल्टी इस 3 लाख पर नहीं लगेगी, ठीक है। तो सर देन इन दैट केस मैं क्या कहना चाहता हूं, आप इस 68 में से सर 10 हटाएंगे, 5 हटाएंगे, परंतु सर ये 3 नहीं हटाएंगे, तो कितना बन जाएगा सर 53 × 30। यहां तक की बात समझनी बहुत जरूरी है, और सुनिए, माइनस सी माइनस डी, अब सी कितना हो गया सर 80, अब 80 और 70, लेकिन सर ये इसका 10 तो इधर भी कवर हो गया, और ये प्रोविजो क्या बोल रहा है, कोई ऐसी मामला जो ए माइनस बी में ऑलरेडी कवर हो चुका वो सी माइनस डी में कवर नहीं होगा। जरा समझिए सर, इसका डबल टैक्सेशन हो रहा है, डबल मतलब एक बार नॉर्मल कंप्यूटेशन में भी आ रहा है और दूसरी बार सर ये मैट में भी आ रहा है, तो अब दो जगह पेनल्टी तो नहीं लगाओगे ना आप, डबल पेनल्टी थोड़ी लगाओगे आप, तो पेनल्टी एक ही लगाओगे, तो आप पेनल्टी कौन सी वाली लगाओगे, नॉर्मल की। ये सरकार कह रही है कि हम सी माइनस डी फिर नहीं लेंगे, तो सी माइनस डी नहीं लेंगे तो इसका मतलब सर ये क्या होगा, 80 में से ये चीज अपने आप क्या हो जाएगी सर, ठीक है 70 - 70 हो जाएगी, तो 70 - 70 हुआ, यानी इसमें तो निकली नहीं लायबिलिटी, अब लायबिलिटी जो निकलेगी सर वो इन दोनों के डिफरेंस पर निकलेगी, इसका 100% to 300% ऑफ टैक्स अमाउंट सॉट टू बी एविडेड पेनल्टी लगेगी। आया बात समझ में सर, ठीक है मैं फिर पढ़ता हूं, प्रोविजो सुनिएगा, प्रोवाइडेड दैट सर ये हाईली टेक्निकल लेवल है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इसी प्रकार का कुछ, अभी इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं बनते कि कोई पूछे यार क्या अमेंडमेंट आया बता दो, ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता है, बोले सर कुछ भी बता देंगे, ठीक है सर कोई निबंध लेखन प्रतियोगिता थोड़ी है डीटी का पेपर, ठीक है आप लोग ऑडिट में भी मात इसीलिए खा रहे हो कि आप निबंध लेखन करते हो, ठीक है, और वो पकड़ लेता है कि इसको ऑडिट आती ही नहीं है, तो देन इन दैट केस वो सब लोग ऐसे राम राम करते हुए निकलते 40 आ जावे, ठीक है। बीइंग स्पेसिफिक इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन, पढ़ता हूं सर सुनिएगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पर्टिकुलर्स हैव बीन कंसील्ड और इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स हैव बीन फर्निश्ड और एन इशू इज कंसिडर्ड बोथ अंडर द प्रोविजन ऑफ 115JB and JC एंड अंडर द जनरल प्रोविजन सच अमाउंट शेल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम द टोटल इनकम असेस्ड वाइल डिटरमाइनिंग द अमाउंट अंडर आइटम डी, ठीक है। तो मैंने सर इसको दोनों जगह हटा दिया, अगर मैं इसको ऐसा नहीं लिखता तो मुझे बेटर ये लिखना चाहिए था 80 - 80, ये 80 रहेगा इधर ये घटेगा नहीं, तो देन इन दैट केस कोई पेनल्टी, इसका सही फॉर्मेट सर 80 - 80 रहेगा। नेक्स्ट सुनिए सर, प्रोवाइडेड फर्दर इन अ केस वेयर प्रोविजन कंटेन इन 115JB और JC आर नॉट एप्लीकेबल आइटम इन सी माइनस डी फॉर्मूला शेल बी इग्नोर्ड, ये तो बहुत बढ़िया है सर, दोज हु आर नॉट कवर्ड इन मैट और AMT उन पर तो सर इस अमेंडमेंट से कोई प्रभाव ही नहीं आया, उन पर आ रहा है जो मैट और AMT के एमबिट के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट सुनिएगा सर, ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्या होता है कभी कभी जैसे
मैं एग्जाम्पल वापस से रीसेट करता हूं सर, सुनिएगा। हियर द प्रोविजन हैज बीन दैट दिस इज -10 एंड दिस इज 20। ओके, ये -10 था सीए साहब और ये 20 था, तो देन इन दैट केस कौन सा लाइबिलिटी दे दी आपने? ये दे दी। इन्होंने ये देखा कि आपने 30 लाख रुपए के खर्चे गलत क्लेम कर लिए, तो ये -10 बैठ गया। अब सर फाइनल लाइबिलिटी क्या मूव होने वाली है? फाइनल लाइबिलिटी वुड कम टू नॉर्मल टैक्स, क्योंकि सर ये क्या हो जाएगा, 30 और 10 नेट बचेगा 20, और ये 20, इस 20 पर लगेगा सर 18.5 और इस 20 पर लगेगा सीए साहब, यानी फाइनल आपने तो दिया था बैठ और सरकार क्या लगा देगी अब यहां पर नॉर्मल। अब सर कंसीलमेंट पेनल्टी कैसे आएगी, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग ऐसा सीखे हुए हैं सर कि जहां पर कोई लॉसेस को इनकम में कन्वर्ट कर देते हैं तो जितने का डिफरेंस आता है वो एसएससी की नोशनल इनकम मान लेते हैं और उस पर टैक्स कैलकुलेट करके एसएससी पर पेनल्टी लगा देते हैं। जैसे अगर मैंने -4 की रिटर्न भरी और एओ ने +14 कर दिया, तो देन इन दैट केस मेरा कंसीलमेंट सर 18 का है, तो सर यहां कंसीलमेंट 20 का है, 30 का है, 30 का है। तो कैलकुलेशन जब आप ए माइनस बी की करोगे तो कैलकुलेशन किसके हिसाब से करोगे सर? 30। समझ गए? बस यही सिखाना है मेरे को, यू विल कैलकुलेट बेस्ड ऑन 30। किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना ले सर, वी कैन अटेम्प्ट इट। 30 पर क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे। इधर मान लीजिए कोई एडजस्टमेंट किया ही नहीं, तो ये तो सर 20-20 जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको पेनल्टी लगेगी किस पर लगेगी सर? 30 पर। कुछ भी नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे होता था, अभी भी ऐसा ही करना है। सुनिएगा मेरे साथ। वे आर इन अ केस द अमाउंट ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पर्टिकुलर्स हैव बीन कंसील्ड और इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स हैव बीन फर्निश्ड हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द लॉस डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न और कन्वर्टिंग दैट लॉस इनटू इनकम। द अमाउंट ऑफ टैक्स सॉट टू बी इविडेड शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद फॉर्मूला स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए विद अ मॉडिफिकेशन दैट अमाउंट टू बी डिटरमाइंड इन आइटम ए माइनस बी इन दैट फॉर्मूला शैल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स विच वुड हैव बीन चार्जेबल ऑन द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पर्टिकुलर्स हैव बीन कंसील्ड और इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स हैव बीन फर्निश्ड हैड सच इनकम बीन द टोटल इनकम। तो हमने कंसीलमेंट कितने का किया सर? 30 का। जैसे कि 30 हमारी कंसील्ड इनकम थी, तो पेनल्टी कितने पर लग गई सर? 30 पर। ये मामला डन हो गया सर अपने लिए, 271(1)(c) डन। अब इसके बाद में चलिए सर, इसके बाद में दो नए सेक्शन आ गए सर। देखिए सर, सेक्शन 271(FAB) सुनिएगा। एक तो आई हैड 271(FAB) आई राइट इट, एंड एक है सर 271(GA). ये दो नई चीजें आ गई सर, कुछ नहीं है, सेक्शन 9 से इनका लेना देना है। देखिए 271(FAB) मेरे साथ पढ़िएगा। इफ एनी एलिजिबल फंड विच इज रिक्वायर्ड, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड विच इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ स्टेटमेंट और एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9A फेल्स टू फर्निश सच स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर दैट सबसेक्शन द इनकम टैक्स अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर दैट सबसेक्शन में डायरेक्ट दैट सच फंड शैल पे बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम ऑफ 500,000 रुपीज। नाउ व्हाट आई एम सेइंग सर, 271(FAB) ये कह रहा है कि 9A सबसेक्शन 5 में एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड पर एक रिक्वायरमेंट डाल दी। वो बताएगी जी कि हमारे कोई एलिजिबल मैनेजर कौन कौन से हैं, फंड मैनेजर कौन कौन से हैं, उनकी रिटर्न उसको देनी पड़ेगी ताकि सरकार ये देख ले कि कहीं वो 9A की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अकॉर्डिंगली कहीं गलत फायदा तो 9A का नहीं उठा रहे। अगर वो रिपोर्ट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड नहीं देगा तो सर उसको 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगनी है। ये मामला है सर 271(FAB) का। ऐसे ही सर 271(GA) में जो आपने मेरे साथ 9(1)(1) में एक्सप्लेनेशन 6 सीखा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, और ऐसे ट्रांसफर देयर ऑफ, तो सरकार ने अब एक रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट डाल दी कि अगर आपकी कोई ऐसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इंडिया की किसी एसेट के संदर्भ में हो रहे हैं तो आप उनको रिपोर्ट करिए ताकि सरकार उसमें जाके देख सके कि भाई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था या नहीं था। जैसे मैंने आपको बोला कि स्पेसिफाइड डेट जब हम डिटरमाइन कर रहे थे तो पहले सर हमारी जो बुक वैल्यू थी वो चल रही थी लेट से इंडियन एसेट की 40, आउट ऑफ इंडिया एसेट की 60, और बाद में सर वैल्यू हो गई टोटल 110 जिस दिन ट्रांजेक्शन डेट थी।
ट्रांजेक्शन डेट को सर ये हो गई 45 और ये हो गई सर लेट्स अज्यूम हमारे पास में बाकी का अमाउंट कितना बच गया 65। आपने बोला जी इस ट्रांजेक्शन में क्योंकि इंडियन एसेट 40 या 45 ही है, 15% से ज्यादा टोटल एक्सीड कर नहीं रहा, तो मैं 40-60 से जाऊंगा, और 40-60 है तो देन इन दैट केस मैं इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के डीमिंग फिक्शन में आता ही नहीं। लेकिन सरकार ये कह रही है यार आपने बैलेंस शीट कौन सी यूज करी वो हमारे को दिखाओ। वो बैलेंस शीट यूज करनी थी सर 31 मार्च 2015 की, यूज कर ली 31 मार्च 2014 की, 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2014, जानबूझ करके किसी ने ऐसा प्रयास किया। सर सरकार कैसे पता चलाएगी जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी? तो वो रिपोर्टिंग करानी है सर, और वो रिपोर्टिंग यदि नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी में बांधना है। वो पेनल्टी बांध दी सर 271 GA में। पढ़िए, इफ एनी इंडियन कंसर्न विच इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। अब ये डाली किस पर सर? इंफॉर्मेशन इंडियन कंसर्न पर, जिसके शेयर ट्रांजेक्ट हो रहे हैं इनडायरेक्टली उस पर डाल दी। एनी इंडियन कंसर्न विच इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 285A। अब एक सेक्शन और है सर 285A, अभी पढ़ लेते हैं। फेल्स टू डू सो द इनकम टैक्स अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सेट सेक्शन मे डायरेक्ट दैट सच इंडियन कंसर्न शैल पे बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम इक्वल टू 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच फेलियर हैज टेकन प्लेस इफ सच ट्रांजेक्शन हैड द इफेक्ट ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ द मैनेजमेंट और कंट्रोल इन रिलेशन टू द इंडियन कंसर्न। अगर इफेक्ट है तो सर 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इंडियन कंसर्न पर पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट, अ सम ऑफ 500,000 रुपीज 5 लाख इन एनी अदर केस। अगर इफेक्ट नहीं है तो भी सर आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, 5 लाख तो तब भी लगेगी। 285A आइएगा सर, 285A आइए सर, 285A 285A सुनिएगा सर। फेलियर फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट बाय द इंडियन कंसर्न इन सर्टेन केसेस। माइंड यू सर, मेरे एग्जाम्पल में ए और बी में ट्रांजेक्शन हुआ इंडिया से बाहर सी का, लेकिन सी अपना कलर लेती है सब्सटेंशियली डी से। इंडियन कंसर्न कौन है सर? डी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाल दी सर? डी पर, कि डी बतावे उसके शेयर इंडिया से बाहर किनके बीच में ट्रांजेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली हो रहे हैं या इनडायरेक्टली हो रहे हैं। सुनिएगा, वेयर एनी शेयर ऑफ और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया डिराइव्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया एज रेफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन 5 टू क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 एंड सच कंपनी और एज द केस में बी एंटिटी होल्ड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली सच एसेट इन इंडिया थ्रू और इन एन इंडियन कंसर्न देन सच इंडियन कंसर्न आई एम रिपीटिंग सर लाइबिलिटीज ऑन इंडियन कंसर्न सच इंडियन कंसर्न शेल फॉर द पर्पजेज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 फर्निशिंग विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड टू द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्लियर हो गया सर? नहीं करोगे तो 271 GA में 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वेयर इट हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट और इंपैक्ट नहीं है तो सर 5 लाख रुपए जो भी एज द केस में भी होगा पेनल्टी लगेगी। आ गया सर ये मामला भी डन। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट सेक्शन 288 पर। आइए सर, हु कैन अपियर सर? किसी व्यक्ति का कोई फ्रेंड है, कोई उसका एम्प्लॉय है, कोई चार्ट अकाउंटेंट है, ठीक है, या किसी भी पर्सन में जो पावर अटॉर्नी होल्डर है वो प्रेजेंट हो सकता है। कुछ उसकी रेस्ट्रिक्शन है कि हाँ साहब ये पर्सन अपियरेंस नहीं दे सकते। सरकार जो नई व्यवस्था लेकर के आई सर 288 में, वो ये व्यवस्था लेकर आई कि चार्ट अकाउंटेंट जो ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट देते हैं उसमें इनकम टैक्स एक्ट में कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं लिखी। तो मान लीजिए एक सीए ने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया एज एन एम्प्लॉय और वही उनकी टैक्स ऑडिट भी कर रहा है। अभी बात समझ में नहीं आती लेकिन मिल जाती है, ठीक है, मिल गई यानी कोई वास्तव में ऐसा काम हो गया। तो द गवर्नमेंट हैज नाउ पुट सम रेस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 288 दैट हु कैन नॉट साइन द सर्टिफिकेट एंड हु कैन नॉट साइन द ऑडिट रिपोर्ट। दो पर रेस्ट्रिक्शन आया सर। किस पर? किस पर आया? एक किसी सर्टिफिकेट पर, जैसे मैट के सर्टिफिकेट जाते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के सर्टिफिकेट जाते हैं, वो नहीं जाएंगे, रिपोर्ट जाएंगे, उन पर नहीं होगा, ठीक है, और ऑडिट रिपोर्ट पर भी नहीं होगा। लेकिन सर इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो व्यक्ति एज एआर हाजिर नहीं हो सकता। एम्प्लॉय को आप एआर बना करके भेज सकते हैं।
आईटीएटी में भी भेज सकते हैं, उन सब में दिक्कत नहीं है। केवल रेस्ट्रिक्शन कहां लगाई सर? ऑडिट रिपोर्ट में और सर्टिफिकेट में। आइएगा सर सेक्शन 288 पर। अब 288 में इन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन डाली सर, सेक्शन 288 अपीयरेंस बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इसमें सर एक्सप्लेनेशन बोलता है। इस एक्सप्लेनेशन में अकाउंटेंट को डिफाइन किया सर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड है उसके लिए अकाउंटेंट आता है। इन दिस सेक्शन, ये एक्सप्लेनेशन पर मैं बात कर रहा हूं सर जो सेक्शन 288 में है। इन दिस सेक्शन अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 हु होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। पहली बात तो प्रैक्टिशनर होना चाहिए सर, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ दैट एक्ट, बट डज नॉट इंक्लूड एक्सेप्ट फॉर द पर्पजेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेसी अंडर सबसेक्शन 1। रिप्रेजेंट कर सकता है लेकिन बाकी सारे चीजें अब जो नॉन प्रैक्टिशनर है वो नहीं कर सकता, और प्रैक्टिशनर भी क्या नहीं कर सकता। इन द केस ऑफ एन एसएससी बीइंग अ कंपनी, द पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द सैड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट 2013 में आपका ऑडिटर नहीं बन सकता, वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट की या सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकता। इसके क्वेश्चन तो बनने चाहिए सर ऑडिट में, लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स में भी 288 का लेना देना है तो सर यहां पर भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलता हूं सर। इन एनी अदर केस द एसएससी हिमसेल्फ और इन द केस ऑफ एसएससी बीइंग अ फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन एचयूएफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और फैमिली, सीए प्रैक्टिशनर फर्म है उसी का एक पार्टनर उसी फर्म की ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है, बैठती नहीं सर बात, लेकिन लोगों ने किया होगा तो ऐसा करके जाके रोक दिया। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ एन एसएससी बीइंग अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एनी पर्सन रेफर टू इन सब क्लॉज ए बी सी डबल सी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13, इन द केस ऑफ एनी पर्सन अदर देन द पर्सन रेफर टू इन सब क्लॉज 1 एंड 2, द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140। सर आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है रिटर्न साइन करने की, वही आपके रिटर्न भी साइन कर रहा है और वही आपके रिटर्न का साइन करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट भी साइन कर रहा है, दोनों चीजें मिसमैच हो गई ना सर। नेक्स्ट सुनिए सर, एनी रिलेटिव ऑफ एनी ऑफ द पर्सन रेफर टू इन सब क्लॉज 1, 2 एंड 3, अगर उनके रिलेटिव हैं सर तो वो रिलेटिव के केस के अंदर भी ये पर्टिकुलर साइनिंग नहीं हो सकती सर। रिलेटिव की डेफिनेशन और अलग से स्पष्ट रूप से सर दे रखी है, मैं इस पर अभी आगे चर्चा नहीं कर रहा, आप सेक्शन 288 देख लीजिएगा। अब मैं एक बात कर रहा हूं सर के सेक्शन 80DD, 80CCD, 80DD, 80DDA और 80U। देखिए 80CCB में सीए साहब एक सबसेक्शन 1 भी इंसर्ट कर दिया, वो ये कह रहा है सर कि आपको 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा अगर आप पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि 80C, जरा ध्यान से सुनिएगा सर, 80C, 80CCC यानी 80CCC और 80CCD सबसेक्शन 1, ये टोटल मिला के तो सर 80CCE की वजह से 1.5 लाख से ज्यादा के नहीं होंगे। इसमें भी 80CCC जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो भी एक अपने आप में किसी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन फंड है, उसमें भी 1 लाख की लिमिट थी उसको 1.5 कर दिया। 80C में सर इन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना को जोड़ दिया, लिमिट अभी भी 1.5 लाख की रखी सर। अब ये जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं 80CCD सबसेक्शन 1 में एम्प्लॉय का खुद का पेंशन फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 10% ऑफ सैलरी और 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। फिर एक सबसेक्शन 1 हुआ करता था वो ओमिट कर दिया सर, एक सबसेक्शन 1 भी लेकर के आ गए, 1 भी लेकर के आया उसमें एक 50,000 और डाल दिया। तो मान लीजिए सर मेरा होम लोन और उसके साथ में मेरे LIC के कॉन्ट्रीब्यूशन ट्यूशन फीस मिलाकर ऑलरेडी 1.5 लाख बैठ गया है, और मैंने नॉर्मल पेंशन फंड के कॉन्ट्रीब्यूशन 40,000 के करे मेरे एम्प्लॉयर के, कि वो अमाउंट 80CCD सबसेक्शन 1 में जाएगी या 1B में जाएगी, ये क्वेश्चन है, समझ गए। 80CCD सबसेक्शन 1 और 1B ये मैपिंग नहीं करता कि सबसेक्शन 1 की लिमिट के बाद सबसेक्शन 1B चलेगा, यानी सबसेक्शन 1 में 10% ऑफ GTI या 10% ऑफ सैलरी हो जाए उसके बाद में फिर 50,000 और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका फायदा हम किसके फेवर में उठाएंगे सर? एसएससी के। यानी अगर मेरे नॉर्मल 80C के जो कंट्रीब्यूशन है वही 1.5 लाख हो गए
और मैंने मेरे एम्प्लॉयर के पास में, या इफ आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड तो किसी पेंशन फंड में 50,000 रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट, 50,000 भी कर दिया, 50,000 तक कर दिया या ज्यादा कर दिया, जो भी कर दिया, मेरे को एक्चुअल अमाउंट या 50,000 विच एवर इज लोअर, उतने का डिडक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B में मिल जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं फिर बोलूं सर कि किसी ने ट्यूशन फीस, LIC कॉन्ट्रीब्यूशन 1:20 कर दिए और इसके बाद में 40,000 सर पेंशन फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो 80C 1:20, 80CCD सबसेक्शन 1 सर 30 और 80CCD सबसेक्शन 1B 10,000 हो गया सर मामला डन। इसके बाद में सर 80D में जो इंश्योरेंस के अमाउंट थे 15,000 से बढ़ाकर सर 25 कर दिए, 15+5 हैज नाउ बिकम 25+5। जो नई बात इन्होंने लाई, जो अच्छी बात है, वो ये बोला सर कि सुपर सीनियर सिटीजन में इंश्योरेंस कंपनियां जनरली क्लेम नहीं लेती, वो पॉलिसी नहीं ले रही, तो वहां कह दिया जी आप 30,000 रुपए तक का खर्चा अगर सुपर सीनियर सिटीजन पे करते हो तो हम आपको 30,000 रुपए का डिडक्शन और दे दें। ये एक अच्छी बात 80CCD, उसमें इंश्योरेंस की बात नहीं है सर, उसमें खर्चे की बात है, और वो है केवल सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स और अबाव के लिए। अगर आपने खर्चा किया है तो सीनियर सिटीजन को सरकार ने सम्मान दिया है ताकि बच्चे उनकी केयर करें। सो 80D के अंदर, फिर ऐसे ही 80DD में लिमिट उन्होंने बढ़ा दी, और 80DA में सर एक गवर्नमेंट के किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होता था, वो सर्टिफिकेट को उन्होंने डिस्पेंस कर दिया और उसकी जगह बोल दिया आप किसी एक्सपर्ट का, जो प्रैक्टिशनर हो डॉक्टर, उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिए, सफिशिएंट है। और सुपर सीनियर सिटीजन में लिमिट 40 और 60 से बढ़ा करके 80,000 रुपए कर दी 80U में, और 80DD के अंदर सर जो लिमिट थी वहां पर 50,000 से बढ़ा के 75,000 और 1,00,000 से बढ़ा करके 1,25,000, ठीक है, सीवियर डिसेबिलिटी के केस में इन्होंने बढ़ा दिया है। एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और है 80JJA, पढ़ना पड़ेगा। आइए देखिए सर, मैं जो चीज मेरे को ध्यान है, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं आपके साथ उसे कवर करूं। सर देखिए 80JJA ये कहता है कि कंपनी एसएससी, ध्यान से सुनिएगा सर, कॉरपोरेट एसएससी जो 100 से ज्यादा रेगुलर वर्कमैन रखती है, वो अगर एडिशनल वर्कमैन इस साल 10% से ज्यादा बढ़ा देवे, तो देन इन दैट केस उसको एडिशनल वर्कर की एडिशनल वेजेस का 30% डिडक्शन 3 साल तक मिलता रहेगा। ये बात लॉ में करी गई। जो चेंजेस आ गए 80JJA में, वो ये कर दिए सर कि अब सब एसएससीज के लिए ये सेक्शन खोल दिया, प्रोवाइडेड दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो इससे सीधे से सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोशन मिलेगा, ये एक लॉजिक है। दूसरा सर, सरकार ये कह रही है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय मिनिमम 100 चाहिए थे रेगुलर, उनको घटा करके उन्होंने 50 कर दिया, ठीक है, बाकी सब प्लेटफॉर्म वही सेम चल रहा है, आपको डिडक्शन मिलेगा। तो मैं सिंपल बोलता हूं सर, हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में 48 एम्प्लॉय थे एक पार्टनरशिप फॉर्म में, एग्जाम्पल समझिए, एक पार्टनरशिप फॉर्म है सर, ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास में 48 एम्प्लॉय थे, इस साल के अंदर हमने 60 कर लिए, और सर रेगुलर वर्कमैन वो है जिसने कम से कम 300 दिन ड्यूरिंग द ईयर काम किया है, ये चीज और ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर 300 दिन अगर हमने काम किया है, तो देन इन दैट केस लेट से जो 12 जुड़े सर वो सारे 310 दिन काम करे हुए, और उनका हर एक का सैलरी है सर 8,000 रुपए प्रति माह पर मंथ। अब 12 जुड़ गए, मेरे मिनिमम 10% का एडिशन आना चाहिए था, और टोटल एम्प्लॉय 50 से प्लस 4.8 से ऊपर आने चाहिए, तो टोटल 12 हो गए और 50 से ऊपर हो गए। अब सर इसमें से 50 तक के तो क्वालिफाई नहीं होंगे, यानी 48+2 50 तो गया, इस 12 में से मेरे कितने एम्प्लॉय क्वालिफाई होंगे 10, और 10 में से मेरे को 8,000 मल्टीप्लाइड बाय लेट से 12 महीने की तनख्वाह हो गई, जो एग्जैक्ट मेरे को अमाउंट मिल जाएगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 30%, ये मेरे को सर 80JJA के अंदर डिडक्शन मिलना है। ये इंपॉर्टेंट है सर, मैं सर आपको बोल देता हूं मेरी ओपिनियन क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 80IA भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो जाने वाले हैं सर, ठीक है, उन सेक्शंस में अभी पूछना नहीं बनता, जो बनता है सर ये काम के सेक्शन है 80JJA में, आपको PGBP के साथ मिक्सचर करके दे देवे तो आपको वहां पर इसकी कंप्यूटेशन करके देनी पड़ेगी। मेरी आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करिए, पूरी ताकत लगाइए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।